फैलाना सर, पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज था सर ये केस? ये बहुत बड़ी चुनौती थी। ताबड़तोड़ जिस तरीके से फायरिंग की है, ताबड़तोड़ जो है कि हमारी टीम ने जो है कि कांड का उद्भेदन भी किया है। ये गोल लगातार समाचार बक्सर से बारी रिपोर्टर बनी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, रंगदारी के लेके बंद दुकान पे चलाओल गई रहे गोली, एसपी साहब कोई नहीं, ताबड़तोड़ गोलीबारी या ताबड़तोड़ छापामारी या ताबड़तोड़ भइल गिरफ्तारी। जी हाँ, नमस्कार, हम चंद्रशेखर सिंह। खबर विस्तार से सुनी, बक्सर पुलिस के एगो बड़ सफलता हाथ लागल बा। पुलिस बंद दुकान पे गोली चलावे वाला 5 अपराधी के हथियार के साथे गिरफ्तार कर ले बिया। पूछताछ के दौरान अपराधी बतैलन कि पंचायत चुनाव के लेके कुख्यात संदीप यादव के इशारा पे दहशत फैलावे और रंगदारी वसूले के लेके गोलीबारी के घटना के अंजाम दिहल गए रहे। पुलिस पूछताछ करके उनकरण ने साथी के गिरफ्तारी खातिर छापामारी कर दिया। ये बात एसपी नीरज कुमार सिंह नगर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान कहली। यहाँ के बतैनी कि 7 मार्च के सुबह नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में रमेश केसरी के दुकान पे 3 अपराधी गोलीबारी कैले रहन। घटना के बाद पुलिस उनकर गिरफ्तारी के लेके छापामारी करत रहे। एकरा के अंजाम देवे वाला अपराधी कोनो घटना के अंजाम देवे खातिर शमशान घाट के समीप एकत्रित भइल रहन। सूचना मिलते पुलिस छापामारी कैलस, जहाँ 5 अपराधी के हथियार के साथे गिरफ्तार कर लिहल गई। यहाँ के बतैनी कि गिरफ्तार अपराधी पुलिस के बतैलन कि घटना कुख्यात संदीप यादव के इशारा पे आवे वाला पंचायत चुनाव में दहशत फैलावे और रंगदारी वसूले के लेके कैल गई रहे। यह घटना में दिलजले और सत्यम कुमार सिंह शामिल रहलन, लेकिन पुलिस दोनों से पूछताछ करके उनकरण ने साथी गिरफ्तारी करके लेके छापामारी कर रहा भी है। बता दें कि पुलिस के हाथे बड़ सफलता हाथ लागल बटुए। का लागल बा? इहे लागल बा कि जितना जल्दी अपराधी गोली चलेलन केसरी जी के दुकान पर, उतने जल्दी मात्र 10 घंटा के अंदर ये मामला के पटा छेप हो गए। पुलिस के तत्परता के साथ ही लोग गिरफ्तार हो गए। अपराधी कितनों बड़ा होकर पुलिस अगर चाह दे तो पता ही नहीं ली, अगर कह भी दिह लोग तो पुलिस के गिरफ्त में जरूर आवे के बाद। ऐसा मामला तोरा सामने 5 स्क्रीन पर अपराधी दिखत रहन जो गोलीबारी के घटना के अंजाम दे रहे। पुलिस बतैलस कि CCTV कैमरा में जे दिन ये लोग गोलीबारी कैले रहे, उ CCTV कैमरा के आधार पर लड़का के टी शर्ट जौन अगिला मोटरसाइकिल चलावत रहे, टी शर्ट के आधार पर उनकर टी शर्ट भी पहचान में आ गई और टी शर्ट के भी बरामद कैल गई और साथे साथे हथियार के भी जब्त कैल गई। देख सकिला ये टी शर्ट हटवे, ये टी शर्ट पहन के ये कुख्यात गोलीबारी के घटना के अंजाम दे रहा। तो पुलिस के सक्रियता से एक बार फिर से मामला के उद्भेदन हो गए। रंगदार लोग के रंगदारी ढीला हो गई और पुलिस कुछ ही घंटा के अंदर मामले के पटा छेप कर दिलस। तो पुलिस के सक्रियता के कारण 5 अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ गया। भोजपुरिया समाचार उरा सबके हमेशा पल पल के अपडेट देत रही, लेकिन उरा सबसे निहोरा बा, विनती बा, आग्रह बा कि खबर के लाइक सब्सक्राइब शेयर करी। बहुत बड़ी चुनौती थी। ताबड़तोड़ जिस तरीके से फायरिंग की है, ताबड़तोड़ जो है कि हमारी टीम ने जो है कि कांड का उद्भेदन भी किया है। ये 7 की घटना है और करीब हमें को लगता है कि 10 घंटों के अंदर ही जो है कि टीम ने जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और DIO प्रभारी के नेतृत्व में काफ़ी बेहतर काम किया और उस घटने को जो भी कार्य किया था उनका पूर्णतः उद्भेदन करते हुए उसमें गिरफ्तारी भी की है। और साथ ही साथ जो कपड़ा पहन के जो अपराधी मोटरसाइकिल बाइक चला रहा था उसको भी जब्त किया गया है, हथियार को भी जब्त किया गया है। कुछ अन्य अपराधकर्मी जो इनको पर्दे के पीछे सहयोग दे रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनमें जो 2 स्कूटर थे जो गोली चला रहे थे उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। वो हमारे पूर्व के कांड में जो है कि वांछित भी हैं, उनको जल्दी से जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, कितना राउंड फायर हुआ था यहाँ पर? करीब 6-7 राउंड जो है गोली फायरिंग का की सूचना है और उसके हम लोगों को ये एम्प्टी कार्टेज में जो है कि 6 के आसपास प्राप्त हुआ मिला। सर, जो भी टीम से पुरस्कृत किया जाएगा, निसंदेह पुरस्कृत किया जाएगा। इतना करने की बात नहीं, लेकिन मनोबल लोग का डाउन नहीं हो पा रहा है। अब कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मनोबल अपराधियों का गिरा नहीं है, अपराधियों का गिरा है। कुछ लोग हैं जिनका जो है कि और जो है कि उनके बारे में गंभीरता से हम लोगों को काम करना होगा आने वाले दिनों में, उनका भी मनोबल डाउन होगा। सर,
है उन लोगों का नाम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सामने जो है कि बताना उचित नहीं है। उनके विरुद्ध हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात जो है कि उनका जो भी हम लोगों को विधि सम्मत अधिकार दिया गया है उन सारी विधि सम्मत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो उनका स्थान है वो स्थान पर कुछ ही दिनों में पाए जाएंगे। वो हाँ कुछ बातें सामने आई हैं कि कुछ जेल के भी जो अपराधी अभी जेल में हैं उनके द्वारा जो है कि जो योजना बनाई गई है उनमें उनकी संलिप्तता सहभागिता है। पुलिस कार्रवाई करेगी? एकदम कार्रवाई करेगी, निसंदेह कार्रवाई करेगी, पूरे साक्ष्य को रखते हुए कार्रवाई करेगी।